इम्पोर्टेंट जो भी बता रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये सब को आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। इससे पहले टाइप वन बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो पहले उसको जा करके देखिए, वहाँ पर भी कुछ बनाए थे, कुछ क्वेश्चन बताया था और कुछ होमवर्क में भी दिए थे आप लोगों को बनाने के लिए, तो आप उसको बनाए होंगे हमें उम्मीद है। अगर कोई दिक्कत है तो परेशानी है तो आप लोग बोलिएगा, हम उसको सॉल्व जरूर करेंगे। इस वीडियो में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सेम सेम क्वेश्चन तो आप लोग खुद भी बना सकते हैं, वो आपको होमवर्क में दे देंगे। आप जो भी क्वेश्चन लिए हैं सब अलग अलग क्वेश्चन है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - x + 1/8 = 0। इसमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा इसका रूट्स है। तो पहचानने का सबसे बहुत इजी तरीका है, इसको आप तो एक जैसे पहले बनाते होंगे इसको ब्रेक करके वैसे भी बना सकते हैं, पर यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है तो क्यों नहीं इसको डायरेक्ट ऑप्शन से ही चेक किया जाए। डायरेक्ट ऑप्शन से चेक किया जाए तो आपको यहाँ पर समय भी बचेगा और सही ऑप्शन भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो आप इसका बारी बारी से वैल्यू बैठा करके देखिए। तो पहले हम ऑप्शन ए में देखते हैं इसको वैल्यू रख करके, तो इसको वैल्यू रखेंगे सेटिस्फाई होना चाहिए, ये सब जीरो इक्वल आना चाहिए। तो माइनस टू जब बैठाएंगे उसमें 2x² - उसमें, तो देखिए इधर बैठाते हैं x का वैल्यू, हम माइनस टू पहले बैठाएंगे तो हो जाएगा हमारा 2 × -2² - 1/8, ये है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 4 हो गया। फिर यहाँ पर x के जगह पर 2 रखेंगे माइनस में है, तो यहाँ भी हो जाएगा ये ऐसे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 2 और इधर 1/8 है। इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 8, ये प्लस 2 और ये क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन ही मत देखिए आगे, दूसरा का चेक कर भी मत कीजिए। एक जब नहीं आ रहा तो ये भी अगर आ जाए तो ऐसे नहीं होगा, ये ऑप्शन छोड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी को भी वैल्यू बैठाएंगे उसमें, तो रखते हैं उसमें, उसमें जब रखेंगे तो हमारा एक्स के ये तो रूट सेम ही है, इसको रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 1/4 - 1/4 + 1/8। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4 जब ये हो जाएगा 16 - 1/4 + 1/8। इसको जब ब्रेक कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/8 और ये है इसका एलसीएम सब का लेंगे तो हो जाएगा ये, इसका एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पर 2 हो गया, 1 हो गया 2 और ये -2/8, तो ये हो जाएगा 0, ऊपर में 0 नीचे में 8, यानी कि मतलब 0, मतलब ये तो आ रहा है 0 के बराबर। चलिए ये भी ऑप्शन देख लेते हैं, ये जो है एक और, तो ये सेम ही है, मतलब कि ऑप्शन ये होता है सही, तो आपका जो ऑप्शन इसका होगा उसका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगर आपको ये भी देख बैठाने का मन है तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। इसको मिटाते हैं और ऑप्शन नंबर सी को भी रख के देखिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी को रख के देखिएगा, एक्स के जब पर आपको रखना है ये उसमें रखते हैं तो 2 और एक्स के जगह पर -5/√2² - और माइनस पहले से है, माइनस यहाँ था और रूट में भी माइनस, तो माइनस माइनस डायरेक्ट हम लिख दे रहे प्लस और ये हो गया ऐसे +1/8। इसको जब सोल्व की जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 जो हो जाएगा 25 और ये रूट और स्क्वायर हो जाता है कैंसिल, बचेगा सिर्फ 2 और इधर है 5√2, मतलब कि ये 0 नहीं होगा, ये तो कट जाएगा पर ये सॉल्व कीजिएगा तो 0 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और इसको एक बार आप बनाने का जरूर प्रयास कीजिए और देखिए कौन सा ऑप्शन होगा।
चलिए तो इसमें भी वही क्वेश्चन कर रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से रूट पहचान करना है। ठीक है, तो रूट पहचान करेंगे, इसमें ऑप्शन देख लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप रूट से यहाँ पर देख लीजिए कि अभी भी बना है, तो यहाँ पर देख लीजिए पिछले वीडियो में हम यहाँ पर ये बताए थे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था उसमें, क्योंकि वहाँ पर रूट पर भी एक्स पर भी रूट था, पर यहाँ पर नंबर में है, नंबर में रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं, तो इसको तो अभी ऑप्शन ये ऊपर हम बता दिए, ये सॉल्यूशन होगा उसका, तो ये ऑप्शन तो आप वैसे भी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा वैल्यू रखेंगे, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ पर है इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, एक्स बराबर टू रख करके देखते हैं। तो उसमें जब वैल्यू रखेगा तो ये हो जाएगा हमारा रूट टू इन टू एक्स के जगह टू का स्क्वायर प्लस सेवन इंटू टू प्लस फाइव रूट टू। ठीक है, इसको करेंगे तो ये टू टू जब फोर हो जाएगा, फोर प्लस ये हो जाएगा फोर्टीन प्लस फाइव रूट टू। क्या जीरो आ रहा है? नहीं, ये जीरो नहीं आ रहा है किसी, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल। ऑप्शन सी में चलते हैं, तो इसमें भी देखते हैं बैठा करके, तो वहाँ पर जब रखेगा तो ये हो जाएगा रूट टू इन टू टू का स्क्वायर, यहाँ पर पहले इसको रखेंगे ये टू, तो टू का स्क्वायर प्लस सेवन इंटू टू प्लस, खैर यहाँ भी तो रख भी किए थे ना टू, फिर भी रख लेते हैं, चलिए फाइव रूट टू, ये भी नहीं आएगा जीरो के बराबर क्योंकि अभी अभी हम सॉल्व किए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। तो लास्ट बचा ऑप्शन नंबर डी, तो ये होगा, इसको देखते हैं रख करके ये आता है कि नहीं, इसको मिटाते हैं। चलिए तो हमें रखना है एक्स बराबर, इसको ये रखते हैं वैल्यू, तो रूट टू पहले से है, ये हो जाएगा माइनस फाइव रूट टू का स्क्वायर प्लस सेवन, और माइनस पहले से इसमें ये रहेगा और है प्लस फाइव रूट टू, फाइव रूट टू ये है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा टू और ये हो जाएगा पच्चीस और ये हो जाएगा ये स्क्वायर रूट कैंसिल, टू सिर्फ टू यहाँ पर होगा, इसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा थर्टी फाइव ये रूट टू और इधर है फाइव रूट टू। ठीक, ये है, यहाँ से हमारा क्या होता है कि ये रूट टू और एक रूट टू नीचे में बचेगा, ये रूट टू और एक रूट टू ये बचेगा, ये कैसे होता है देखिए, तो टू को हम लिख सकते हैं रूट टू इन टू रूट टू। ठीक है, यानी कि ये ऐसे बनता है कि अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये टू टू जब फोर, ठीक है, और फोर किसका स्क्वायर रूट है टू का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये और ये कैंसिल टू आता है, ये ऐसे होता है। तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा बच गया ट्वेंटी फाइव बाई रूट टू, यहाँ पर है थर्टी फाइव बाई रूट टू प्लस में फाइव रूट टू, ये कैंसिल हो रहा है क्या? इसको थोड़ा सा लेते हैं एलसीएम, या फिर ये लगता है ऑप्शन नंबर है, इसको ये हो जाएगा रूट टू ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी फाइव और यहाँ पर हो जाएगा इसको लेंगे तो हो जाएगा फाइव इंटू टू, ये हो जाएगा नीचे में रूट टू है तो ये हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ट्वेंटी फाइव प्लस टेन माइनस थर्टी फाइव, इसको इधर कर दिए हैं और इसको ऐड करेंगे और नीचे में है और इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा थर्टी फाइव माइनस थर्टी फाइव, मतलब यहाँ पर जीरो आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। और ये टू भी बैठा करके देख लीजिए, टू को भी बैठाते हैं, एक में तो जीरो आया उसमें भी आएगा ही, तो टू बैठाते हैं इसी में तो हो जाएगा ये रूट टू फिर माइनस रूट टू का स्क्वायर प्लस सेवन माइनस रूट टू प्लस फाइव रूट टू, ये है, इसको करते हैं रूट टू इंटू माइनस माइनस प्लस टू का रूट टू का स्क्वायर टू, फिर यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस सेवन रूट टू प्लस फाइव रूट टू, ये है। अब यहाँ पर इसको कर देते हैं तो ये हो जाएगा टू रूट टू और ये है माइनस सेवन रूट टू, ये प्लस रूट टू, देखिए लाइक सभी लाइक ही टर्म्स है, तो ये फाइव और टू हो जाएगा सेवन और यहाँ पर सेवन, तो ये हो जाएगा जीरो, मतलब ऑप्शन नंबर ए डी सही है। आ रहा है समझ में? अगर नहीं आ रहा हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें बता देंगे। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ, इसमें से बताना है कि कौन सा रूट्स होगा। इसी प्रकार का पर क्वेश्चन अलग अलग है। तो ये हमारा दिया हुआ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें बैठा करके देखेंगे बारी बारी से कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चेक करने का यही तरीका, नहीं तो आप ब्रेक करके बनाएगा तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए आप इसी को पुट करके देख लीजिए। तो पहले ऑप्शन उठाते हैं इसको, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो रूट टू ऐसे है आप लोग जानते होंगे इसको ऐसे, ठीक है। बैठाते हैं वहाँ पर इक्वेशन में, तो है हमारा इक्वेशन थ्री। पहले देखिए इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन, ठीक है ना, तो हमें दिखाना है जीरो के इक्वल, इसलिए हम जीरो को नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पर एक्स के जगह पर पुट करते हैं, ठीक है, तो पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर माइनस 2√6 इंटू एक्स के जगह पर √2/3 प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए अभी क्या बताए थे, रूट और स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो रूट स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 2/3 माइनस, यहाँ पर अभी बोले कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, तो जगह 2, और 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, 6 को ऐसे आप लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से हो सकता है ये कि ये और ये खत्म, मतलब √3 और √3 हुआ कैंसल, तो बचा हमारे पास और यहाँ 3 और यहाँ 3 हुआ खत्म, तो बचा 2 माइनस, और यहाँ पर 2 और ये 2 √2 √2 √2 × √2। अभी पीछे बताए थे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ आएगा 2 और उधर प्लस में 2, तो ये जगह 2 − 4 + 2। अब देखिए इसको ऐड कर देंगे तो ये जगह 4 − 4 = 0, मतलब कि ऑप्शन नंबर, ये तो फर्स्ट वैल्यू बैठा है इसका, 3 बना रहे हैं फर्स्ट वैल्यू बैठा है, तो इसका तो सही आ गया, सेकेंड वही है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यही सही हो। बाकी आप लोग देख लीजिएगा इसको पुट करके, ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।